हनुमानगढ़ जिले के नोहर की बात करते हैं, जहां पर उप तहसील खुइया में पेयजल की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही। नतीजा ये है कि 5 लोग 24 घंटे से भी ज्यादा समय से मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 7 दिन पहले भी 3 लोग गांव के इसी टावर पर चढ़े थे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात मोबाइल टावर पर उन्होंने गुजारी। कल प्रशासन से 5 बार वार्ता हुई थी, लेकिन सभी वार्ता विफल रही। जिला परिषद सदस्य कामरेड मंगेश चौधरी ने बताया कि उपखंड कार्यालय का 6 बार घेराव किया जा चुका है, भूख हड़ताल भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या बनी हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए जन टीवी संवाददाता राकेश धामू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, जानना चाहेंगे पिछले 24 घंटे से 5 लोग टावर पर चढ़े हुए हैं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात है? जी मैं आपको बता दूं ये कि नोहर तहसील की उप तहसील कुइया का ये मामला है, जहां पर 24 घंटे से भी अधिक समय से 5 लोग मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं जी। लेकिन नतीजा यह है कि किसी भी समस्या को लेकर गुरुवार को 5 बार वार्ता हो चुकी है प्रशासन के साथ, लेकिन कोई भी वार्ता अभी तक नहीं चल पाई है जी। जी राकेश, इससे पहले ये भी खबर आ रही है कि 7 दिन पहले भी इसी टावर पर 3 लोग चढ़े थे, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई। जी 7 दिन पहले भी 3 लोग मोबाइल टावर पर चढ़े थे, लेकिन प्रशासन के साथ उस समय हुई वार्ता के दौरान प्रशासन 3 दिन का समय मांगा था जी। उसके बाद इनको टावर से नीचे उतारा गया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, इसके दौरान उन्होंने वापिस टावर पर चढ़ना पड़ा जी। प्रशासन की ओर से 5 बार वार्ता हुई है, हर बार वार्ता विफल रही है, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे बस यही है कि इनको समय पर पानी इनके गांव में नहीं पहुंच पा रहा जी। आपने योजना से जुड़ा ये जुड़ी हुई है योजना है, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा, काफी समय हो चुका है। चलिए राकेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांड की टक्कर से